नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन में। तो मेरे हाथ में अखबार को देखकर आप एक काफी हद तक समझ पा रहे होंगे कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं केवीएस इंटरव्यू में आपके द्वारा तैयार किए गए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि भाई आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है। और एक सवाल जो काफी ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि मैम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, कैसे पढ़े, पढ़े भी कि नहीं पढ़े, या फिर कम समय है, खासतौर पर अगर केवीएस टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उनकी तो इंटरव्यू डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो ऐसे में अब क्या किया जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके इंटरव्यू में 8 से 10 दिन का समय बचा है तो बिल्कुल आप अखबार पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आपकी अपनी चॉइस होगी। ध्यान में रखिएगा कि पिछले 2 से 3 महीने में, 3 महीने की कम से कम, जितनी भी करंट इश्यूज में आपकी बर्निंग इश्यूज हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, सोसाइटी को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात की जाए, उनको एक बार रीचेक कर लीजिए। इसके ऊपर एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप अखबार पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना ही है, तो अखबार के फ्रंट पेज को तो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा वो है आपका एडिटोरियल पेज, जो कि आपको हर एक अखबार में मिल जाता है। आप कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिएगा स्टैंडर्ड अखबार को पढ़ें, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। यहाँ पर एडिटोरियल पेजेस को पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप हर एक चीज को एक सकारात्मक तरीके से न सिर्फ कनेक्ट कर पाते हैं बल्कि किसी भी खबर की मल्टीपल डायमेंशंस को चेक कर पाते हैं। ये तो रही बात अखबार की। दूसरा, मैंने एजुकेशन पॉलिसीज की बात इसलिए कही है कि जो आपके केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जाइए। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आपको मल्टीपल पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज मिल जाएंगी, जो पिछले 3 से 4 सालों में लगातार इंप्लीमेंट हुई है, जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है, चाहे वो एनसीएफ 2005 की बात हो, आरटीएफ 2009 की बात हो, एनईपी 2020 की बात हो, या एनसीएफ में अभी हाल फिलहाल में बदलाव आए हैं उनकी बात हो, मनोदर्पण की बात कही गई हो, या हम एफएलएम की बात करें, परिणाम की बात करें, या फिर डिजिटल एजुकेशन को लेकर के बात करें, ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं, पीडीएफ भी शेयर किया टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपका समय की कमी है तो केवल पीडीएफ भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफी रहेगा आपके लिए पेपर सॉरी इंटरव्यू में एक अच्छा परफॉर्म करना। और देखिए, करंट अफेयर का कोई और छोर नहीं होता है। मैं बोलूँ कि बेटा आप इतने से इतने तक का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, काफी रहेगा आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ध्यान में रखना है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े हुए सवाल, चाहे वो पीरियड स्लीप की बात रही हो, चाहे यहाँ पर खासतौर पर अगर हम जेंडर बायसनेस की बात करें, हम यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए सवालों की बात करें, सोशल जितने भी हमारे डायमेंशन है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन की बात हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के शिक्षा की बात हो, यहाँ पर जेंडर बायसनेस की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, जिस स्टेट से, जिस जगह से आप आ रहे हैं उसके हम सोशल डायमेंशंस की बात करें, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो दिखाता है कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर है किसी भी चीज को जानने का। अगर आप महिला हैं, इंटरव्यू देने जा रही हैं टीजीटी में, पीजीटी में आने वाले पीआरटी के पेपर में, तो महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी स्कीम्स हैं, खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है, पीरियड्स लीव की बात करें, मेटर्निटी लीव की बात करें, महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है इन चीजों के ऊपर बात करना, या क्यों जरूरी है, क्या उसके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर विमेन एम्पावरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितना बेहतर आप सोच सकती हैं, इन सवालों से आप इंटरव्यूअर्स को बता सकती हैं अगर आप इन सवालों को अच्छे से करके जाती हैं। उसके अलावा जो मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको गिनवाई हैं, उनको तो पढ़कर जाना ही जाना है। अगर समय पर्याप्त है तो और भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आपके अपना निर्णय होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, केवीएस संगठन के बारे में, केवीएस के वेबसाइट से ही आपको काफी जानकारी मिल जाएगी कि केवीएस कब बना है, कितनी उसके संस्थाएं हैं, केवीएस का अपना गोल क्या है, केवीएस किस तरीके से काम करता है, शिक्षा का स्तर कैसा है, कौन कौन से वहां पर डायमेंशन बनाए गए हैं, यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर कौन कौन सी चीजें शुरू की गई, चाहे बाल वाटिका की बात करें, चाहे हमें यहाँ पर जो है आगे बौद्धिक स्तर पर स्टूडेंट्स के हम इंटेलेक्चुअल बिहेवियर की बात करें, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं। जितना मैंने बताया है केवल उतना ही कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट आपके अपने हाथ में है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो 50+ स्कोर आपके हाथ से कहीं नहीं गया है। बाकी मोटिवेटेड रहिए और साथ में कॉन्फिडेंट रहिए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए, बजाय ये जताने के कि पेपर आप इंटरव्यू में यहाँ पर नौकरी लेने के लिए आए हैं, ये मत जताइए। मैंने आपको हमेशा ये कहा है
सिंसियरली आपको बिहेव करना है और आप इंटरव्यूअर्स को लगना चाहिए कि कैंडिडेट काफ़ी सीरियस है यहाँ पर जॉब करने के लिए, और उसका जो उसकी जो मंशा है वो राष्ट्र सेवा की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा।